सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं. आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ की मैनेजेरियल पर्सनल. तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 है. चैप्टर नंबर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 13 है. जो सेक्शंस कवर्ड है वो सेक्शन 196 से लेके 205 तक कवर्ड है. और जो चैप्टर का नाम है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ की मैनेजेरियल पर्सनल, राइट? एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ की मैनेजर पर्सनल रूल्स 2014. तो आप बोल सकते हो चैप्टर नंबर 13 सेक्शन 196 टू 205 एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ की मैनेजेरियल पर्सनल रूल्स 2014, ठीक है ना? ये जो रिवीजन कर रहे हैं अपन, ये हमारे डायरेक्टर समरी नोट से कर रहे हैं. तो ये जो डायरेक्टर समरी नोट्स है, ये जो हमारा वेबसाइट है www.apnamentor.com, वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज के पार्ट में जाकर आपको वहां से मिल जाएगा. तो प्लीज गो टू द फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट इन अपना मेंटर, डाउनलोड द समरी नोट्स. अगर ढूंढने में दिक्कत आए तो वहां पे आप फिल्टरेशन में लॉस ये फाइनल लगा लेना और वहां से आप ये नोट्स आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? फर्दर अगर मैं बात करूं तो ये जो रिविजनरी वीडियो है, अगेन दिस इज अ कंप्लीटली अमेंडेड रिविजनरी वीडियो, कंप्लीटली अमेंडेड रिविजनरी वीडियो. आई कैन से एटलीस्ट फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशंस एंड मे 22 एग्जामिनेशंस, ये जो रिविजनरी वीडियो है बिल्कुल अमेंडेड है और आगे भी आपके लिए ये काम आ सकता है अगर इस चैप्टर में कोई चेंज ना आए. बट फॉर नवंबर 21 एंड फॉर मे 22 दिस इज अ कंप्लीटली अमेंडेड रिविजनरी वीडियो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार कंजूसी मत करो, लाइक कर लो यार वीडियो को. आप जब वीडियो को लाइक करते हो, आपके जब अच्छे कमेंट्स रीड करने को मिलते हैं तो हमारे दिल को भी थोड़ा सुकून मिलता है, हमें भी थोड़ी खुशी मिलती है कि बच्चे जो है हमारे एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर. तो देखना सबसे पहले फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे जो आपके लिए हैं चैप्टर में. वन इज द डेफिनेशन ऑफ की मैनेजर पर्सनल दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51. अनदर इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53 एंड देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54. तो केएमपी की बात करें जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 51 में डिफाइंड है, तो सबसे पहले देखो कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जो वर्ड मीन से स्टार्ट हो रहा है और बोला गया कि केएमपी में कौन कौन आएंगे, ठीक है ना? तो आप ये याद रखो कि जितने भी सी कैटेगरी के लोग हैं वो सारे केएमपी हैं, मतलब सीईओ हो गया, सीएस हो गया, सीएफओ हो गया. यार अपने थिंकिंग को काबू में रखो यार, सी कैटेगरी मतलब कुछ भी सोच रहे हो, सीईओ, सीएस, सीएफओ, ये सारे लोग है ना. तो यहां पे बोला केएमपी मींस सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर प्लस कंपनी सेक्रेटरी प्लस होल टाइम डायरेक्टर प्लस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना? अलग से बोला सीएस, अलग से बोला सीएफओ. यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदा जो कंपनी सेक्रेटरी भी है, जिसको फाइनेंस की नॉलेज भी है, उसको सीएस भी बना दिया, उसको सीएफओ भी बना दिया. इट हैज टू बी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड. जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं, अगर उनसे एक लेवल नीचे कोई है बट उसको बोर्ड ने केएमपी की तरह डेजिग्नेट कर रखा है तो वो भी केएमपी होगा एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब. क्लियर है? और ये जो डेफिनेशन है केएमपी का, इसको आप हमेशा रीड करते हैं विद सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो सेक्शन 203 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 51 इट इज ऑलवेज रेड टुगेदर. उसके बाद वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53, एमडी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54. कॉमन चीज है, याद रखो यार दोनों डेफिनेशन के अंदर. मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी होता है, राइट? तो मैनेजर इंक्लूड्स ए पर्सन हु इज अ डायरेक्टर, बट फॉर एमडी यू हैव टू बी अ डायरेक्टर. इट मींस अ डायरेक्टर. बोथ मैनेजर एंड एमडी आर इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? और दोनों बीओडी के सुपरिटेंडेंस में काम करते हैं. लेकिन फर्क क्या आता है? नॉर्मली एक कंपनी जो छोटी होती है उसमें एक मैनेजर होता है, एक कंपनी जो बहुत बड़ी होती है उसमें मल्टीपल एमडीज हो सकते हैं. तो एक कंपनी में एक ही मैनेजर हो सकता है, लेकिन एक कंपनी में मल्टीपल एमडीज हो सकते हैं और एक कंपनी में अगर मैनेजर है तो एमडी नहीं होगा, ठीक है? एक कंपनी में अगर मैनेजर है तो एमडी नहीं होगा. एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है. एमडी मींस अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको इंटरेस्ट किया गया है. सब्सटेंशियल पार्ट्स इंटरेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, आर्टिकल्स के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, रेजोल्यूशन पास करके, डिफरेंट वेज आर देयर.
और एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स होते हैं रूटीन नेचर का, जैसे कॉमन सेल साइन करना है, शेयर सर्टिफिकेट साइन करने हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करना है, चेक वगैरह इश्यू करना है, ये पावर्स दे दिए, दैट डज नॉट मेक ए पर्सन एमडी। दिस आर जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर, दिस अलोन डज नॉट मेक ए पर्सन एमडी। तो ये क्लैरिफिकेशन है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद वी हैव सेक्शन 196, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो सेक्शन 196 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। सबसे पहले, किसी भी कंपनी के अंदर एमडी मैनेजर एक साथ नहीं होगा, या तो एमडी ही होगा या मैनेजर नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। दूसरा, अगर एमडी की बात करें, मैनेजर की बात करें, डब्ल्यूटीडी की बात करें, इनका जो टर्म रहेगा मैक्सिमम 5 ईयर्स का रहेगा। नॉर्मल डायरेक्टर्स का कोई टर्म नहीं होता, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने देखा था, एक स्पेशल डायरेक्टर का टर्म होता है 5 ईयर्स, सेकंड टर्म 5 ईयर्स है सर। एमडी के लिए, डब्ल्यूटीडी के लिए, मैनेजर के लिए टर्म होता है 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। बट री अपॉइंटमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार री अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 4 साल जब खत्म हो जाएंगे टर्म का, उसके बाद लास्ट 1 ईयर में, जो लास्ट 1 ईयर बचेगा तब आप री अपॉइंट कर सकते हो फिर अनदर 5 ईयर्स, एंड कूलिंग ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, लाइक द इंडिपेंडेंट एक्टर थिंग। उसके बाद 196 सबसेक्शन 3, नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन एज एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर हु। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई भी कंपनी एमडी को अपॉइंट नहीं करेगा, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को एज एमडी अपॉइंट नहीं करेगा, डब्ल्यूटीडी अपॉइंट नहीं करेगा, मैनेजर अपॉइंट नहीं करेगा यदि। तो यहां पर आप देखोगे 4 रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन, इज बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज और हैज अटेंड द 70 ईयर्स ऑफ एज। उम्र 21 साल से कम है, मैच्योरिटी की कमी है, अभी काबिल नहीं है एमडी बनने के लिए, डब्ल्यूटीडी बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, या फिर 70 ईयर्स हो गया। तो 70 ईयर्स हो गया तो अगेन मानते हैं कि भैया मैच्योरिटी लेवल कुछ ज्यादा ही हो गया, अब दोबारा से अपने बचपना के जोन में चला गया, तो नहीं बन सकता एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज बट यू नो वास्टली एक्सपीरियंस्ड, तो बोला गया कि ऐसा है तो ठीक है, अगर एज 70 ईयर्स से ज्यादा है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो। उम्र 21 ईयर से कम है तो कोई तरीका नहीं है उस बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट करने का एज पर सेक्शन 196। बट अगर एज 70 ईयर्स या ज्यादा है तो नॉर्मली आप अपॉइंट नहीं कर सकते, बट एक एक्सेप्शन है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जस्टिफिकेशन देकर अपॉइंट कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन में मेंबर्स आर नॉट रेडी टू मेक ए पर्सन एज ए एमडी ऑफ द कंपनी, डब्ल्यूटीडी ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, बिकॉज द एज इज 70 ईयर्स और मोर, बट द कंपनी फील्स दैट यू नो द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इज नीडेड फॉर द कंपनी। सो इन दैट सिचुएशन बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए भी उस व्यक्ति को एज ए एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनाया जा सकता है। करना क्या पड़ेगा, पहली चीज, जो वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ मोशन होंगे दैट शुड बी एक्सीडिंग द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन, तो आधे से ज्यादा लोग इस फेवर में होने चाहिए एटलीस्ट, अगर ऐसा पास नहीं भी हो रहा है तो। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि इस व्यक्ति का एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस चीज को परमिट कर सकती है। अगला रेस्ट्रिक्शन है कि बंदा अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट है या किसी भी वक्त इंसॉल्वेंट करार किया गया है। तो अगर बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या किसी भी वक्त इंसॉल्वेंट करार किया गया है तो वो कभी भी किसी कंपनी का एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। तीसरी चीज, उस व्यक्ति ने कभी भी सस्पेंड किया है पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और मेड एनी कंपोजिशन विद देम, तो उस बंदे की नियत खराब है, तो भाई वो कभी भी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। चौथी चीज, कोर्ट ने उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया है और एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, तो कोर्ट ने किसी भी ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया है, 6 महीने से ज्यादा की जेल सुना दी है, तो वो बंदा एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। याद रखिएगा सेक्शन 164 की डिस्क्वालिफिकेशन अलग थी, वो नॉर्मली सिर्फ एक डायरेक्टर के बनने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, लेकिन सेक्शन 196 एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के लिए है। सो इफ ए पर्सन वांट्स टू बिकम एमडी ही शुड कंसीडर बोथ सेक्शन 164 आल्सो एंड एट द सेम टाइम सेक्शन 196 आल्सो। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर का क्या प्रोसेस रहेगा, बोला भाई सिंपल सी चीज है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगी एंड बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देंगे, लॉजिकल सा चीज है। उसके बाद मालिकों का अप्रूवल भी चाहिए, जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, क्लियर है। और क्योंकि एमडी बनना डब्ल्यूटीडी बना, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की बात करें, क्योंकि दिस आर बिग इवेंट्स स्पेशली फॉर पब्लिक कंपनीज, दिस आर बिग इवेंट्स, तो बोला गया कि भैया अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनाना चाहते हो तो नॉर्मली आपको शेड्यूल 5 के कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, शेड्यूल 5 के शर्तें। तो आप शेड्यूल 5 की शर्तें देखोगे बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत सारा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस दिया हुआ है, तो मतलब ऐसा तो आपको शेड्यूल 5 का कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, और अगर आप शेड्यूल 5 की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे तो सीजी का अप्रूवल चाहिएगा, सिंपल सा बात है। तो बीओडी का अप्रूवल, जनरल मीटिंग में अप्रूवल, देन शेड्यूल 5, एंड इफ नॉट शेड्यूल 5 देन सीजी अप्रूवल। तो ये सारी चीज आपको सेक्शन 196 के अंदर ध्यान रखनी है। उसके अलावा कमिंग टू सेक्शन 197, दैट इज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट द कंपनी कैन पे
राइट कि ओवरऑल कितना रेमुनरेशन कंपनियां पे कर सकती है। तो इस सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया कंपनी मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन अपने डायरेक्टर्स को पे कर सकती है इंक्लूडिंग एमडीज डब्ल्यूटीडीज मैनेजर्स। तो बोला गया कि ओवरऑल जो लिमिट है ना वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स कि कंपनी मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी तक अपने डायरेक्टर्स को पे कर सकती है, 11% सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर एमडीज डब्ल्यूटीडीज मैनेजर्स एवरीवन। लेकिन किसी एक सिंगल एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को अगर पे करना है, एनी वन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है कंपनी में, सिंगल डब्ल्यूटीडी मैनेजर को पे करना है तो मतलब 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी आप पे कर सकते हो। कितना? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी आप पे कर सकते हो उस सिंगल एमडी को डब्ल्यूटीडी को मैनेजर को। अगर एक से ज्यादा एमडी है डब्ल्यूटीडी है मैनेजर है उनको आपको पे करना है तो बोला गया कि कुल मिलाकर आप 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स उनको पे कर सकते हो क्योंकि 1% तो अदर डायरेक्टर्स के लिए रखना पड़ेगा। और अदर डायरेक्टर्स की बात करें तो बोला गया कि अगर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो 1% पे कर सकते हो किसी भी एक डायरेक्टर को, और अगर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं है तो आप 3% पे कर सकते हो किसी भी एक डायरेक्टर को। तो यहां पे कुल मिलाकर आप देखोगे 5 लिमिट्स है, 1%, 3%, 5%, 10%, 11%। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बोला गया कि अगर कंपनी ना मान लीजिए इंडिविजुअल लिमिट को जंप करना चाहता है, क्या करना चाहता है, इंडिविजुअल लिमिट को जंप करना चाहता है 1%, 3%, 5%, 10% को, बट ओवरऑल लिमिट सेम है, तो बोला गया एक तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और दूसरा अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है इन द पेमेंट ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो आपको पे करने से पहले उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। दो बातें, ठीक है, एसआर एंड अप्रूवल ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर वहां पे डिफॉल्ट है। दूसरी चीज, अगर 11% के लिमिट को जंप करना है तो सेम बात है, यहां भी बोला मेंबर्स का अप्रूवल लो, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल ले लो अगर डिफॉल्ट है तो। अब यहां पे लॉ मेकर ने यहां पे ना एम्बिगिटी छोड़ दी। क्या एम्बिगिटी छोड़ दी? जब इंडिविजुअल लिमिट्स को जंप करने की बात थी तो स्पेशली बोला एसआर पास करो, लेकिन जब 11% को जंप करने की बात है तो एसआर की बात नहीं बोली, सिर्फ अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बोला। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा कि अगर हम यहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लें कि इंडिविजुअल लिमिट्स को जंप करने के लिए तो आप एसआर बोल रहे हो और ओवरऑल लिमिट के लिए हम ओआर में काम चला रहे हैं। सो दैट इज वाई एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि यहां पे हम स्पेशल रिजोल्यूशन लेंगे। इस सेक्शन के अंदर और भी काम की चीजें हैं जैसे एक पॉइंट है यहां पे, अगर मान लीजिए एक्सेस रेमुनरेशन पे कर दिया डायरेक्टर्स को, एक्सेस रेमुनरेशन ओवर एंड अबव द लिमिट, तो डायरेक्टर्स को ना वो एक्सेस रेमुनरेशन रिफंड करना पड़ेगा 2 सालों के अंदर, विद इन 2 years और लेसर पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द कंपनी। और ये जो अमाउंट है ना कंपनी वेव ऑफ नहीं कर सकता। अगर कंपनी वेव ऑफ करना चाहता है कि कोई बात नहीं यार तुमको एक्सेस रेमुनरेशन दे दिया तो दे दिया एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे बैक, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड अगेन सेम रिक्वायरमेंट कि अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर इनका डिफॉल्ट है तो उनका अप्रूवल भी चाहिएगा। अब यहां पे जो सिचुएशन था सेक्शन 197 पे, दैट वाज बेसिकली इफ द कंपनी हैज प्रॉफिट्स। इफ द कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स तो बोला गया है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो शेड्यूल 5 के जो कंडीशंस हैं, शेड्यूल 5 के कंडीशंस के हिसाब से आप रेमुनरेशन पे कर दीजिएगा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर्स को, बाकी डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी यहां पे इंक्लूड कर लिया गया है। बोला गया है कि इन एडिशन टू रेमुनरेशन आप डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस पे कर सकते हो, दैट कैन बी अप टू 1 lakh rupees पर बोर्ड मीटिंग, अप टू 1 lakh rupees पर बोर्ड मीटिंग। बोला गया है कि अगर डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है कंपनी को, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, एंड ही हैज दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी या बीओडी, तो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के बिहाफ में वो जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो प्रोफेशनल कैपेसिटी के बिहाफ में जो सर्विसेज वो रेंडर कर रहा है उसका भी रेमुनरेशन आप अलग से पे कर सकते हो, वो 11% के लिमिट में, 1-5% के लिमिट में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? एंड टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द रेमुनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किसी कोई रेमुनरेशन का हक नहीं होगा। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस एंड ऑल। बट अगर कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है, कंपनी लॉसेस में है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी क्या हो सकता है सर? अगर कंपनी लॉसेज में है, प्रॉफिट्स में नहीं है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी आज की तारीख में रेमुनरेशन पे किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन इन शेड्यूल 5, जो कि हम लोग शेड्यूल 5 के अंदर देखेंगे। अब देखना सेक्शन 199, रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन इन सर्टेन केसेस। अब सेक्शन 199 का जो कोरिलेशन है ना वो सेक्शन 130 के साथ है, दैट इज रीओपनिंग का जो सेक्शन है। मान लो भाई पुराने फाइनेंशियल्स में फ्रॉड हुआ, अब पुराने फाइनेंशियल्स में फ्रॉड हुआ जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया टू रीओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब रीओपन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता चला कि एक्सेस रेमुनरेशन पे किया गया टू द डायरेक्टर्स, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया गया था, और प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लेट करके दिखाया गया बोल कर सेक्शन 197 के अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज वाइज हमने वो रेमुनरेशन पे किया वो ज्यादा पे किया गया,
तो बोला कि जो एक्सेस रेमुनरेशन पे किया गया डायरेक्टर्स को ना वो रिकवरेबल होगा, उसको रिकवर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिकवर करना पड़ेगा, रिकवरेबल होगा. तो इफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, द कंपनी शैल रिकवर फ्रॉम एनी पास्ट और प्रेजेंट एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर और सीईओ बाई वट एवर नेम कॉल्ड Who during the period for which the financial statements are required to be reinstated received the remuneration in excess. तो जो भी डायरेक्टर्स है पास्ट में जो थे, कंपनी छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेक्शन 202, सेक्शन 198 अपन ने बीच में नहीं किया. दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, कि नेट प्रॉफिट्स को कंप्यूट करते हुए क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या चीजें लेस करनी है, किन चीजों का क्रेडिट लेना है, किन चीजों का क्रेडिट नहीं लेना है. तो लास्ट में सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको सेक्शन 198 दे दिया है, आप एक बार रीड कर लोगे. सेक्शन 200, 201 प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंस नहीं रखता. राइट, सेक्शन 200 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर्स. सेक्शन 201 में दिया हुआ है कि जो भी एप्लीकेशन सीजे को जाएगा वो कौन से फॉर्म में जाएगा, न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा, तो ज्यादा काम का नहीं है, आने के चांसेस रेयरेस्ट हैं. तो आप सेक्शन 198, सेक्शन 200, सेक्शन 201 ये तीन सेक्शंस एक बार क्या कर लोगे सर, रीड कर लोगे. उसके बाद आता है सेक्शन 202, दैट इज कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. तो सेक्शन 202 क्या बोलता है? सेक्शन 202 बोलता है कि मान लीजिए भाई आपने डायरेक्टर को ऑफिस से पहले निकाल दिया, आपने डायरेक्टर को ऑफिस से पहले निकाल दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट से पहले टर्मिनेट कर दिया, तो इन दैट इवेंचुअलिटी कंपनी क्या कर सकती है? कंपेंसेशन पे कर सकती है अपने एमडीज को, डब्ल्यूटीडीज को, मैनेजर को फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस, बट नॉट टू अदर डायरेक्टर्स. तो कंपनी कैन मेक पेमेंट टू ए एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस इन कनेक्शन विद सच लॉस ऑफ रिटायरमेंट. दिस इज द जनरल रूल. बट यहां पे 6 एक्सेप्शन दिए हुए हैं. बोला गया कि इन 6 केसेस में ना आप कंपेंसेशन नहीं पे करोगे इवन टू ए एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस. और एकदम लॉजिकल से ग्राउंड से मान लीजिए लेट अस से वो जो एमडी है वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसकी वजह से उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ा, तो लॉजिकल सा बात है यार, ही इज नॉट एंटाइटेड टू एनी काइंड ऑफ कंपेंसेशन. मान लो वो जो एमडी है, डब्ल्यूटीडी मैनेजर है, उसकी लापरवाही की वजह से कंपनी वाइंडिंग अप के स्टेज में आ गई, तो आप सोच के देखो यार उस व्यक्ति को अपन कंपेंसेशन देंगे क्या? नॉट लॉजिकल. राइट, डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस, उसकी वजह से उसे निकाला गया, तो अगेन ही इज नॉट एंटाइटेड टू एनी कंपेंसेशन. वेरी लॉजिकल, डायरेक्टर ने खुद इंस्टिगेट किया दैट कंपनी क्या करे, उसको अपने ऑफिस से टर्मिनेट कर दे. पता चला वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू नो हैरेसमेंट करता था बाकियों के साथ, तोड़फोड़ करता था, गाली गलौज देता था, कंपनी के एसेट्स वगैरह को यू नो मिसयूटिलाइज करता था, तो इन दैट सिचुएशन डायरेक्टर ने इंस्टिगेट किया, उसको निकाल दिया गया, तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. मान लीजिए कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है दूसरी कंपनी के साथ, या कंपनी एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में जा रही है, और एमडीज, डब्ल्यूटीडीज, मैनेजर्स या जो ऑफिसर्स, उनको ऑफर दिया गया कि जो रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी होगी या जो रिजल्टिंग कंपनी होगी उसमें हम आपको सिमिलर पोस्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो रिजाइन करके जा रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए सिमिलर पोस्ट इन द न्यू कंपनी, तो भैया हमारी कोई गलती नहीं है, आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. या फिर वो अपनी मर्जी से रिजाइन करके जा रहे हैं ऑन एनी अदर ग्राउंड, तब भी उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. तो डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है फिर भी निकाल दिया, या फिर रिकंस्ट्रक्शन एमलगमेशन हो रहा है एंड कंपनी सिमिलर पोस्ट ऑफर नहीं कर रहा दूसरी कंपनी में, उसकी वजह से डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है. प्रैक्टिकली ये दो ग्राउंड्स बच जाते हैं जिसमें कंपेंसेशन कंपनी पे कर सकती है टू एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर. अब यहां पे मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है कि कितना मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपेंसेशन पे किया जा सकता है टू एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर. तो यहां पे बोला गया कि आप देखो वो कितने टाइम से काम कर रहा था और देखो आप उसका कितना टेन्योर बचा था. ये दो चीज आप ध्यान रखो कि कितना टेन्योर बचा है, जितना टेन्योर उसका बच गया है उसमें वो कितना रेमुनरेशन कमा लेता. मान लीजिए 2 साल का टेन्योर बच गया है तो 2 साल में कितना रेमुनरेशन कमा लेता, तो कंपेंसेशन मैक्सिमम आप 2 साल के ही पे कर सकते हो. 1.5 साल का ऑफिस बाकी था तो अगेन 1.5 साल का आप रेमुनरेशन पे कर सकते हो, बट मैक्सिमम 3 ईयर्स. ऐसा नहीं कि 4 साल का ऑफिस बाकी था अभी तो 1 साल ही सर्व किया था तो 4 साल का कंपेंसेशन पे कर दिया, मैक्सिमम 3 ईयर्स. ठीक है, तो अमाउंट किस बेसिस में कैलकुलेट, अमाउंट किस बेसिस में पे किया जाएगा, कि कितना रिमाइंडर ऑफिस है, कितना रिमाइंडर ऑफिस है, कितना रिमाइंडर टाइम बचा है, या फिर 3 ईयर्स विच एवर इज शॉर्टर, विच एवर इज शॉर्ट. और किस बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा कि आज की तारीख में उसकी तनख्वाह क्या थी, उसकी सैलरी क्या थी. और सिर्फ आज की तारीख की सैलरी नहीं, एवरेज देखेंगे कि पिछले 3 सालों में उसने कितना एवरेज रेमुनरेशन कमाया. फर्स्ट ईयर में उसका सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए करके था पर मंथ,
सेकेंड ईयर में 1,10,000 करके था, थर्ड ईयर में 1,20,000 करके था। तो 1,00,000 × 12/12 प्लस 1,10,000 × 12/12 प्लस 1,20,000 × 12/12 तो एवरेज करके निकालेंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो एवरेज का फिगर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिमेनिंग टेन्योर और 3 years विच एवर इज शॉर्टर। और अगर मान लीजिए यहां पे लेट अस से वो ऑफिस में था ही पिछले 1 साल से तो 1 साल ले लेंगे, ऑफिस में था ही 2 साल से तो 2 साल ले लेंगे, बट मैक्सिमम 3 years है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एनी पेमेंट मेड टू एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड द रेमुनरेशन व्हिच ही वुड हैव अर्नड इफ ही हैड बीन इन ऑफिस फॉर द रिमेंडर ऑफ हिज टर्म और फॉर 3 years व्हिच एवर इज शॉर्टर एंड द अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेमुनरेशन एक्चुअली अर्नड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही सीज टू होल्ड ऑफिस और वेयर ही हैड द ऑफिस फॉर अ लेसर पीरियड देन 3 years ड्यूरिंग सच पीरियड। No such payment shall be made to the director in the event of commencement of winding up of the company. उसके बाद यहां पे एक Bell versus Lever Bros का judgment है important, जो आपको साथ में देख लेना है section 202 के साथ, the judgment of Bell versus Lever Bros. उसके बाद आता है section 203 appointment of KMP. ये जो concept है public companies में applicable है, बोला कि हर listed public company को ना KMP appoint करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, KMP appoint करना पड़ेगा। KMP कौन, जो section 2 clause 51 में defined है, या फिर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या 10 CR से ज्यादा है उनको भी KMPs अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हर लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या 10 CR से ज्यादा है। याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, जब इंडिपेंडेंट एक्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते थे तो इंडिपेंडेंट एक्टर के कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया था टॉप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फुलफिलिंग टॉप क्राइटेरिया। तो आप मान लो KMP के लिए ना हमने टॉप में से P उठा लिया, खाली टॉप में से P, आप देखोगे टर्नओवर 100 था, आउटस्टैंडिंग लोन 50 था, पेड अप शेयर कैपिटल 10 था, तो यहां पे हमने टॉप में से P उठा लिया। तो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर शैल अपॉइंट ए होल टाइम मैनेजिंग KMP। अब कौन कौन अपॉइंट करना है KMPs में, बोला MD, CEO या मैनेजर में से एक अपॉइंट कर लीजिए एंड इन देयर एब्सेंस एक होल टाइम डायरेक्टर कर लीजिए। CS को अपॉइंट करना कंपलसरी है, CFO को अपॉइंट करना कंपलसरी है, CS एंड CFO लिखा हुआ है, यानी दो इंडिविजुअल्स अलग अलग होने चाहिए, CS शुड बी डिफरेंट, CFO शुड बी डिफरेंट। उसके बाद बोला गया कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या 10 CR से ज्यादा है तो उनको होल सेट ऑफ KMPs तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उनको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए भी लिमिट सेम है, बट सारे KMPs अपॉइंट नहीं करने, सिर्फ होल टाइम CS अपॉइंट करना है। उसके बाद अगेन बोला गया है कि दे विल बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन में सारे टर्म्स वगैरह स्पेसिफाइड होंगे। सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 के अंदर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक होल टाइम KMP अगर है तो वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा इन मोर देन वन कंपनी। सेक्शन 165 के एक जनरल रूल था कि एक पर्सन 20 कंपनी से डायरेक्टर हो सकता है, बट अगर एक होल टाइम KMP है तो एक कंपनी से ज्यादा में ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है उन सब्सिडरी कंपनीज में ऑफिस होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कंपनीज में अगर ऑफिस होल्ड करना है तो बोर्ड का परमिशन चाहिएगा। उसके अलावा यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि अगर एक बंदा एक कंपनी का MD है तो वो सेकंड कंपनी में MD बन सकता है। क्या बन सकता है, सेकंड कंपनी में MD बन सकता है। नॉर्मल रूल है कि होल टाइम KMP सेकंड कंपनी में नहीं बन सकता, सिर्फ सब्सिडरीज में बन सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक कंपनी का MD है तो वो सेकंड कंपनी में भी MD बन सकता है, थर्ड कंपनी में नहीं बन सकता, बट एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो एक कंपनी का मैनेजर है या MD है वो दूसरी कंपनी का MD बन सकता है, बट दूसरी कंपनी का मैनेजर बनना इज नॉट पॉसिबल। मैनेजर तो एक ही कंपनी के आप बन सकते हो, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर ही MD हो तो दूसरे कंपनी के आप MD बन सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो प्रपोज्ड कंपनी है, जो प्रपोज्ड कंपनी है, जो सेकंड कंपनी है, उसके बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक नोटिस स्टेटिंग दैट यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो चुका है, वो स्पेसिफिक नोटिस इंडिया में जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी के सबको भेजना पड़ेगा। तो इंडिया के बाहर भी अगर कोई डायरेक्टर्स है तो उनको भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में जितने भी डायरेक्टर्स उन सबको नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर लिया है एंड मिस्टर राम जो कि फर्स्ट कंपनी में MD है वो हमारी कंपनी में भी MD अपॉइंट होने वाले हैं एंड वी हैव पास द यूनानिमस रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। एंड अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है इन द ऑफिस ऑफ KMP दैट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी क्या था, 3 months वाला क्राइटेरिया था, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। वुमेन डायरेक्टर का भी सेम था, बट यहां पे KMP के केस में क्या है, 6 months। सेक्शन 204 दैट लेस डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, कि सेक्रेटरियल ऑडिट का कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है, तो सिर्फ बड़ी कंपनीज को एप्लीकेबल है। बोला गया जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सबको ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सबको ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, या फिर हर एक पब्लिक कंपनी जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 CR है या टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 CR है,
पेडम शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 सीआर है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 सीआर है, या फिर कोई भी कंपनी है जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सीआर है, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होगा, सीएसएन प्रैक्टिस को अपॉइंट करना होगा। क्लियर है? अब ये लिमिट्स कैसे याद रखनी है सर? आप याद रखो वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर हमने क्या बना था, टीपी क्राइटेरिया, टाइम पास क्राइटेरिया, दैट इज टी फॉर टर्नओवर, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल। वहां पे लिमिट्स क्या थे सर? वहां पे 300 सीआर था और पेड अप शेयर कैपिटल का 100 सीआर था। अब सेम क्राइटेरिया यहां पे है, सेम क्राइटेरिया सेक्टरल ऑडिट पे है, बट यहां पे 50-50 कम है, -50 -50, तो टर्नओवर 250 सीआर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 सीआर, प्लस यहां पे एक आउटस्टैंडिंग लोन का एक अलग क्राइटेरिया है जिसका अगेन यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 सीआर है। इतना याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 204। सेक्शन 205 अगेन मैंने नहीं दिया बिकॉज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम रेलिवेंस रखता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट है कि सीएस के क्या फंक्शंस हैं, बट फिर भी आप चाहो तो एक बार मेन बुक से रीड कर सकते हो। उसके बाद आता है फाइनली शेड्यूल 5, जो कि हमें रीड करना होता है विद सेक्शन 196 एंड 197। तो वैसे तो शेड्यूल 5 बहुत बड़ा होता है, बट मैं कभी बच्चों को एडवाइज नहीं करता कि पूरा शेड्यूल 5 आपको पढ़ना है, बिकॉज पूरा शेड्यूल 5 बहुत वास्ट है और क्वेश्चन देखा गया कि 20-25 सालों से एक दो एरिया से ही आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द फुल फ्लेज्ड शेड्यूल 5, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में शेड्यूल 5 को अप्रोच करें। इसमें कुछ एक दो एरियाज है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला पार्ट 1 जहां पे कंडीशंस दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीजी। याद करो 196 में क्या देखा था हमने कि इनको अपॉइंट करने के लिए या तो शेड्यूल 5 की शर्तें पूरी कर लो या सीजी का अप्रूवल ले लो। तो सीजी का अप्रूवल नहीं लेना तो शेड्यूल 5 की शर्तें पूरी करनी होगी, और शेड्यूल 5 की शर्तें यहां पे दी हुई है भैया। क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन, पहली शर्त, यहां पे देखना क्या क्या बोला गया है। यहां पे ना आप देखोगे मेन बुक का एक बार रेफर करना, 19 एक्ट का नाम दिया गया, 19 एक्ट का नाम दिया गया, 19 एक्ट जिसमें सारे पॉपुलर एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट है, पॉमला है, आईबीसी है, फेमा है, सारे पॉपुलर एक्ट्स हैं, जीएसटी है, राइट, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के आप देखोगे, डायरेक्ट टैक्स के लॉज के देखोगे, कंपनी लॉ का देखोगे, सारे पॉपुलर लॉज हैं। तो 19 एक्ट का कुल मिलाकर बोला कि अगर इन 19 एक्ट्स में से किसी भी एक्ट के तहत अगर कोई इंडिविजुअल कन्विक्टेड हो जाता है, एक भी दिन की उसको जेल हो जाती है, एक भी दिन की जेल हो जाती है, या ₹1,000 से ज्यादा फाइन लग जाता है, वो लाइफ टाइम में कभी भी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता, और अगर आपको बनाना है सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर बोला गया ही हैज नॉट बीन डिटेन फॉर ए पीरियड, फॉर एनी पीरियड अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत उसे डिटेन ना किया गया होगा कभी भी। उसके बाद अगेन 21 ईयर्स एंड 70 ईयर्स वाला पॉइंट है जो सेक्शन 196 में भी था। एंड उसके बाद बोला गया ही शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, अगर रेजिडेंट नहीं है तब भी नहीं बन सकता। और रेजिडेंट का मतलब यहाँ पे फेमा वाला रेजिडेंस नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट वाला रेजिडेंस नहीं है, यहाँ का रेजिडेंट का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, अलग है। एक्सप्लेनेशन देकर इंसर्ट किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर पर्सनल एंड हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और डूइंग बिजनेस। कि भैया पिछले 12 महीने से अगर कंटिन्यूअसली इंडिया में रह रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या वैकेशन के लिए रह रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। उसके बाद यहां पे पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है तो इन दैट सिचुएशन कितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है मैनेजर पर्सन को। तो यहां पे दिया गया है हायर ऑफ ए और बी, ठीक है, कितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है मैनेजर पर्सन को। तो भाई कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही ना, तो यहां पे बोला गया कि आप इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से रेमुनरेशन पे करोगे। पहले ये रेमुनरेशन पे करना सिर्फ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर्स को अलाउ किया गया था, अब अदर डायरेक्टर्स लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया, उनके लिए भी एक अलग स्लैब बना दिया गया। तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर अपने को डिसाइड करना है कि कितना ईयरली रेमुनरेशन अपन पे कर सकते हैं पर डायरेक्टर। अब इफेक्टिव कैपिटल आपको एग्जाम में दिया भी जा सकता है डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालना है उसको कंप्यूट करने का तरीका भी यहां पे दिया हुआ है कि इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए आपको एग्रीगेट लेना पड़ता है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन जब पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे तो उसमें शेयर एप्लीकेशन मनी हटा दीजिएगा, एडवांसेस अगेंस्ट शेयर हटा दीजिएगा। जब हम रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे तो उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व हटा दीजिएगा, प्लस ऑल द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट जो एक साल के बाद रिपेबल है। शॉर्ट टर्म लोन्स डिपॉजिट्स है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म को काउंट करेंगे। उससे माइनस कर देंगे जितने भी एकुमुलेटेड लॉसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वहां पे ये चीज माइनस नहीं होगी।
तो एक कंप्यूटेशन का फॉर्मुला दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली दे में डायरेक्टली गिव यू इफेक्टिव कैपिटल इन द क्वेश्चन यू नीड, या फिर यू में नीड टू कैलकुलेट। तो अब यहां पे अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव निकलता है या लेस देन 5 सीआर निकलता है, आप पहले से फर्स्ट स्लैब में फोकस करें। जो अगला स्लैब नया इंट्रोड्यूस किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, अपने आप याद हो जाएगा। अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 सीआर है, तो बोला गया आप मैक्सिमम 60 लाख रुपीज रेमुनरेशन पे कर सकते हो मैनेजर पर्सनल को। 5 सीआर एंड अबव है बट लेस देन 100 सीआर है तो 84 लाख पे कर सकते हो। 100 सीआर एंड अबव है बट लेस देन 250 सीआर है तो 120 लाख पे कर सकते हो। और 250 सीआर एंड अबव है तो 120 लाख तो पे कर ही सकते हो। प्लस जो भी ओवर एंड अबव 250 सीआर का कैपिटल है उसका 0.01% पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 270 सीआर इफेक्टिव कैपिटल है तो आप 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ 270 करोड़ माइनस 250 करोड़ अकॉर्डिंगली आप उतना पे कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आपने फर्स्ट लैब याद कर लिया 60 84 120 प्लस 0.01, तो अब आपको सिर्फ डिवाइड बाय 5 करना है। तो डिवाइड बाय 5 12, 84 डिवाइड बाय 5 16.8 अप्रोक्सीमेटली 7, 120 डिवाइड बाय 5 24 एंड 24 प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 सीआर। इन लिमिट्स को एक्सीड भी किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस अगर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स वगैरह का डिफॉल्ट है तो उनका भी अप्रूवल चाहिएगा बिफोर पेइंग दिस रेमुनरेशन। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी है जो बेसिकली मैनेजर पर्संस की बात करता है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। मैनेजर पर्संस जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं कि उनको भी आइटम ए जितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है, ए कैटेगरी जितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है इफ दे आर वर्किंग इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड नॉट होल्डिंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज। तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, दे हैव दैट स्पेशलाइज नॉलेज, दे हैव दैट ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन in the field which, right, they have a specialized knowledge in the field in which the company operates, they have a graduate level qualification, plus they are not having any interest in the company, the structure of the company, it's holding its subsidiaries, to unko bhi itna remuneration pay kiya ja sakta hai jitna ki part A mein diya gaya hai. Lekin jab hum baat kar rahe hain ki they should not have any interest in the capital of the company, its holding company, its subsidiary companies directly indirectly, to yahan pe ek chota sa clarification jari kar diya proviso ke dwara, bola gaya hai ki agar ek employee कंपनी का 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक ही होल्ड कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है, अप टू 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक ही होल्ड कर रहा है जो कि उसको इशॉप स्कीम के तहत दिया गया था या सिमिलर स्कीम के तहत दिया गया था, तो माना जाएगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कैपिटल में। तो नॉर्मली बोला गया कि कैपिटल में इंटरेस्ट है तो वो रेमुनरेशन ड्रॉ नहीं कर सकता पार्ट ए जितना, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल कैपेसिटी होल्ड करता है, स्पेशलाइज नॉलेज है इन द फील्ड इन विच कंपनी ऑपरेट्स, तो ड्रॉ कर सकता है। और अगर 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक अगर वो होल्ड करता है अंडर एनी स्कीम, अंडर द शॉप और सिमिलर स्कीम, तो इन दैट सिचुएशन माना जाएगा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको शेड्यूल 5 के अंदर ध्यान रखने हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन्स, तीन डेफिनेशन याद रखना था आपको, केएमपी 2 क्लास 51, मैनेजर 2 क्लास 53, एमडी 2 क्लास 54, सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी मैनेजर दैट इज रेड विद शेड्यूल 5, सेक्शन 197 मैनेजर रेमुनरेशन दैट इज रेड विद शेड्यूल 5 एंड 149 सबसेक्शन 9 को भी साथ में रीड करेंगे, रेमुनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 198 कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 199 रिकवरी ऑफ एक्सेस रेमुनरेशन, 200-201 ज्यादा काम का नहीं था, 202 कंपेंसेशन टू एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, 204 सेक्रेटरियल ऑडिट, 205 फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। छोटा सा चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है, क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। आप मान के चलो कि 197 एंड शेड्यूल 5 and Schedule 5 are the two most important areas, plus section 203 में भी कुछ बातें डिस्कस करी थी, वो भी इंपॉर्टेंट था, जैसे एक कंपनी का एमडी है तो दूसरा कंपनी का एमडी कब हो सकता है, एंड प्लस उसके अलावा आपने जो सेक्रेटरियल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी देखा वो इंपॉर्टेंट था, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, और जो कंपेंसेशन का फॉर्मुला देखा वो इंपॉर्टेंट था, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस आर द प्रोबेबल एरियाज फ्रॉम विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वेरी चैप्टर। होपफुली समझ आया, बिकॉज फास्ट रिविजन था, रैपिड रिविजन था, तो होपफुली ये रिविजनरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, हजारों लाइक मिलनी चाहिए यहाँ पे, एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, एंड अगेन लव यू ऑल, टेक केयर।